अभी हम आ चुके हैं रॉयल भूटानी मिनिस्ट्री में। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री में तो एक मंदिर है, भूटानी मंदिर है। तो अभी चलो करते हैं इसमें एंट्री। चलो अभिषेक भाई कहाँ छूट जाते हो यार, चले ना। तो ये है अपना भूटानी मंदिर, चले आगे। चला जाए। तो ये है द रॉयल भूटानी मंदिर, कहाँ है देख सकते हैं। रॉयल भूटानी मंदिर, और चलिए आपको एक क्लोजर लुक दे देते हैं जल्दी से। बाकी के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख के पता कर सकते हैं इसके बारे में, लोकेशन मैं डाल दूंगा। अभिषेक भाई अंदर आ जाओ। तो अंदर शांति होने वाली है इसलिए चलिए चुपके से। Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what. हाय, तो अभी भैया यहाँ से हम लोग साइन आउट करने वाले हैं, निकलने वाले हैं बाहर दूसरे टेंपल में। इसको भी बाय बोलते जाइए इधर से। इसको बाय बोलते चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टेंपल पे। अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों के टेंपल में। हम लोग ये देख सकते हो आप इधर में, इस साइड में, यहाँ पे अभी करने वाले हैं इसमें एंट्री। तो एंट्री करके आपको वहाँ से क्लोजर लुक दिखाता हूँ। तो ये है जो अभी टूर से हम लोग ऊपर जाके और बाकी का आपको वहाँ का दिखलाते हैं क्लोजर लुक अंदर से कि टेंपल कैसा दिखता है। तो अंदर चलो। तो ये है डाइजोक्यो का इंटीरियर लुक। यहाँ पे प्लीज साइलेंस का बोर्ड लगा हुआ है इसलिए हम शांति से ही जाते हैं, आप देख सकते हो। You wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away. So, अभी हम डाइजोक्यो से साइन आउट कर चुके हैं बाहर की ओर, और अब हम निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट टेंपल में। नेक्स्ट टेंपल आप देखना चाहोगे अभिषेक भाई, यहीं से दिखा देते हैं। बिकॉज यहीं से वो नज़र आ रहा है इसलिए हम आपको दिखा देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है आर्किटेक्चर उसका, आप खुद देख लो। टन टन है। तो हमारे पीछे जो आपको ये दिख रहा है ये है नेपाली टेंपल। बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। तो आपको वहाँ से अंदर जाके हम दिखा देंगे कि कैसा है वो टेंपल। बट अभी हमें इतनी सीढ़ियाँ उतर के वापस से बाहर जाना है। हालत खराब हो रखा है भाई का। चलो कोई बात नहीं, तो अभी बाहर निकल के आप क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं उसमें सेकंड वाले में, ठीक है। तो फॉर नाउ इट्स साइन अप। तो आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं कर्मा टेंपल में, जिसको
हम दिखा रहे थे आपको प्रीवियस वाले जिस टेम्पल में हम लोग थे वहाँ से आपको दिखा रहे थे। तो अभी चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा इसका आर्किटेक्चर लग रहा है। बट कोई नहीं, चलो अंदर चल के अभी आपको दिखाते हैं। अभिषेक भाई कहाँ रह गए, चला जाए अपना अभिषेक भाई मिल गया, चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई साहब देख लो, इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी हम, यही है हमारा कर्मा टेम्पल। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये, अभी सजा हुआ भी है, फुली डेकोरेटेड है LED लाइट से, तो रात में इसका ओवरव्यू और भी खूबसूरत होगा। बट कोई नहीं, अभी आप देख सकते हो सुपर है भाई, कुछ भी कहो तो बाहर से इतना सुपर है, अंदर से क्या होगा, अंदर से और भी बवाल है। बट पता नहीं अब हम लोग को वहाँ एंट्री मिलती है कि नहीं, वो पता नहीं हम लोग को अंदर में एंट्री मिलती है कि नहीं, बट ट्राई करते हैं फिर भी देखते हैं। अगर एंट्री नहीं भी मिली तो आपको दिखा दूंगा बाहर से ही जूम करके, कोई नहीं तो आपको तो देखना आपको है यार, दिक्कत लेना नहीं, बस देखो और एक लाइक कर देना, कोई बात नहीं। पहुँच चुके हैं कर्मा टेम्पल में अभी, तो आप देख लो एक क्लोजर हेलो, अभी देख भाई दिख जा तो जूम करके बढ़िया सा। मैं देख बात और अंतिम में आप ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे अच्छी मंदिर कौन सी लगी, मतलब सबसे अच्छा आर्किटेक्चर किस मंदिर का लगा। मुझे तो भाई साहब सच बताऊँ तो इसी का लग रहा है, क्यों देख भाई क्या बोलते हो, जरूर बहुत सॉलिड कंस्ट्रक्शन है यार, कुछ भी कहो, चाहे वो LED लाइट्स का डेकोरेशन हो या फिर खुद का ये बोलो गॉड बुद्धा के स्टैचू, बड़ा ही सॉलिड लग रहा है। कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर कैसा है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं बांग्लादेश टेम्पल में, देख सकते हो यह है बांग्लादेशी टेम्पल। तो चलिए अंदर देते हैं क्लोजर लुक। तो गाइस ये हमारा बांग्लादेशी टेम्पल, यहाँ पर लाइट्स बहुत कम थी इसलिए मैंने अपना खुद का फ्लैश ऑन कर लिया, चलिए आपको दिखाते हैं। अभिषेक भाई तो मेरे से बहुत आगे भाग गया, बांग्लादेशी टेम्पल आप देख सकते हो। एक मैं फ्लैश ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, बिकॉज जो स्टैचू है वो वाइट है, इस कारण से आपको पता नहीं चल पा रही होगी। एक मिनट प्लीज, आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट ही टेम्पल होगा, बिकॉज मेन मंदिर में फ़ोन की एंट्री नहीं है, इस कारण से हम वहाँ पर जाके ब्लॉग शूट नहीं कर सकते। बट कोई नहीं, कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं आपको दिखा सकूँ, मीन्स उसका एक पर्सनल ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली। अगर परमिशन मेरे को मिल जाती है तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वो यहाँ का बेस्ट है, ठीक है। बट फिर भी कोई नहीं, आप इधर का देख लो अभी। यहाँ पे ये एक लॉर्ड बुद्धा की है स्टैचू, बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी है, तो आप इसको भी देख लो पहले। जो आगे से दिखा देता हूँ, ये देख लो सामने में यहाँ पे, और दूसरा मंदिर देखने। चलो अब चलते हैं पार्क, क्या बोलते हो, चला जाए पार्क।
अभी का सीन ऐसा है कि शूट कर करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, देख सकते हैं हालत ख़राब हो रखी है। तो अभी आए हुए हम पार्क में, नज़ारा देख लो, बहुत कुछ दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं देखिए ज़्यादा मत देखिएगा, ये देख सकते हो आप। अभी आ गए हैं हम, भाई इसका नाम क्या था पता नहीं, नाम तो अभी हम लोग को नहीं याद आ रहा है, बट ये मेन मंदिर के पास में है, आप यहाँ से मेन मंदिर को भी देख सकते हो अगर नज़र आए तो। कोई नहीं, मैं रियर कैमरे से दिखा देता हूँ आपको। अभी हम लोग एकदम नियर बाई मेन मंदिर के हैं, तो ये रहा पार्क। तो अभी हम और अभिषेक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद वापस से अब तो एडिटिंग का काम ही बाकी है, आपको सारा टेम्पल घुमा तो दिया, तो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और मस्ती जो होगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बाय। तो अभी उतनी शूटिंग के बाद हम आ चुके हैं पार्क में, और अब करने वाले हैं हम साइन आउट, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वीडियो शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब एडिटिंग बाकी, एडिटिंग के बाद अपलोड करने वाले हैं वीडियो। तो वीडियो को जाकर देख लीजिए आप लोग तो देख ही लिए होंगे, सॉरी बिकॉज हम लोग तो अंत में शूट कर रहे हैं, क्यों भाई सॉरी मिस्टेक से गया। तो देखने के बाद लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कमी थी नहीं थी, क्योंकि आगे और भी एक से एक धांसू ब्लॉग हमारे आने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।